भारत के अंदर स्वतंत्रता के बाद में कभी भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किसी राज्य सरकार ने नहीं। हम लोगों को भी ये विश्वास था जब बजट पेश किया, जब हम लोगों को विश्वास था जब केंद्र बजट हुआ तो इसमें अलोकेशन भी रखा गया 38,000 करोड़ रुपए का, उससे अपने आप ही सीधे तौर पर सब राज्य मान लेते हैं। उसके बावजूद भी ये फैसला क्यों लिया गया मुझे मेरी समझ से परे, पर राजस्थान सरकार ने तत्कालीन फैसला लिया। हम लोगों के पास एमएलए फंड था, मैंने खुद का स्वयं का 3 करोड़ एमएलए फंड दिया। उसके बाद में मैंने खुद ने स्वयं अपना खुद के वैक्सीनेशन का वे खुद उठाने का मैंने निर्णय लिया, और जो भी सक्षम है 18 साल से लेकर 45 साल के जो सक्षम है उनको अपना खुद का वे खुद उठाना चाहिए, जिससे ये जो पैसा हम वैक्सीनेशन में खर्च कर रहे हैं, ये जो आपदा के समय ये पैसा ये धन हम राजस्थान के देश के दूसरे अति आवश्यक कार्य केंद्र कर सके। और जैसा मैंने ये निर्णय लिया बहुत बड़ी तादाद के अंदर मेरे पास स्वयं के पास संदेश आए हैं कि हम लोग खुद अपना वैक्सीनेशन का भार खुद उठाएंगे। इसका वे 400 रुपये तो वैक्सीन का है, फिर ट्रांसपोर्टेशन लगाने का जो भी वे आता है। अब जो मेरा आकलन है खुद का कि लगभग ये 700-800 रुपये के करीब का पूरा वे होगा वैक्सीनेशन के, 400 के बाद में जो वे होता है ट्रांसपोर्टेशन का लगाने का वो भी बड़ा वे है। तो अगर हम लोग सक्षम है तो वो 800 रुपये हमको खुद को ही देना चाहिए। ये मैंने पहले भी अपील की और लोग इस पर योगदान कर दीजिए। सर जितनी क्रिटिकल कंडीशन है उस क्रिटिकल कंडीशन में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सुनने में आया है बालोतरा में बनने वाला ऑक्सीजन प्लांट जो था वो अब जोधपुर बनने जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? अभी तक मैंने ऐसा कोई आदेश देखा नहीं। पहले जब उन्होंने यहाँ का निर्णय लिया तो राजनीतिक समय अपनी मैंने स्वयं नितिन गडकरी जी को धन्यवाद दिया, और मुझे आशा है कि जो उन्होंने फैसला किया वो फैसला लागू करेंगे। और इसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि किसी की भी, किसी पृष्ठभूमि के लोग आज जो पिछला पृष्ठभूमि चाहे वेब में कोई पत्रकार हम लोग देख रहे हैं वो पत्रकारिता छोड़कर और कार्य कर रहा, सरकारी कर्मचारी कर रहा, उद्योगपति कर रहा, किसान कर रहा, मजदूर कर रहा। तो हमको भी राजनीतिक चौगा जब तक ये आपदा है हमको भी उसको उतार कर और साइड में रखना चाहिए।